हे गाइस, वेलकम टू वाइफिस्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफिस्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज पेपर में से होते हैं, चाहे फिर वो आपका द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, जागरण, जनसत्ता, PIB, PRS, सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। एंड गारंटी यू, आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दीजिए किसी भी स्टेट के अंदर, आपको 80-90% करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर इंटरव्यू है, तो वहां पर भी आप जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि देने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 45 से 50 मिनट के सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रीवियस डे के क्वेश्चन की, फिर कोट ऑफ द डे, फिर देखेंगे इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके बाद आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट देखेंगे, माइंड गेम आज नहीं है, और क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सारी चीजें जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपने कौन कौन से एग्जाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, मैनेजमेंट लॉ एग्जाम, पुलिस, एसएससी, बैंक, ये सारे एग्जाम है जो कि आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल क्लास करना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, ओके, तो अगर आपको कोड पूछा जा रहा है तो आप वहां पे BHU 10 लगा सकते हैं, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, प्लस कोर्स के लिए भी कोई भी इंडिया में, और साथ में स्पेशल क्लास के लिए भी। चलिए सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने हाल ही में DBS बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो ये इनकार दोस्तों जो किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली लक्ष्मी विलास बैंक भी साउथ इंडिया का है, तो वहीं के हाईकोर्ट के अंदर ये केस है जो कि चला था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया है। भारत सरकार ने हाइड्रोग्राफी पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ में कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। हाइड्रोग्राफी, ओके, हाइड्रो का मतलब पानी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कहां पर आयोजित करी गई, ये कोलंबो के अंदर आयोजित है जो कि करी गई। आवाज परफेक्टली आ रही ना, एक बार मेरे को भी मेरे फोन के अंदर चेक कर लेने दो आवाज। चलिए, हाल ही में मोहसिन फाकरी जादे की हत्या हो गई, वह डैश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे। तो परमाणु वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये थे आपके ईरान के, इसराइल के ऊपर दोस्तों ये इल्जाम है जो कि लगाया गया है कि इन्होंने जो है वो मारा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं डैश में जारी किया है। तो कितने में जारी, कहा कितनी भाषाओं में जारी किया गया है गाइज, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके 5। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि कोट ऑफ द डे, जो कि यहाँ पे अर्पिता के द्वारा भेजा गया है। होके मायूस ना यूज, शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर सही राह पर चलते रहिए। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे अर्पिता के द्वारा कही गई है कि गाइज मायूस होके जो है शाम में ढलने से बढ़िया है, ओके, कि सूरज की तरह डेली जो है कुछ ना कुछ करते रहिए, अगर रुके हुए दोस्तों तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर सही राह पर चलते रहिए। धीरे धीरे चलना बहुत जरूरी है, मुझे मालूम है कई लोग जो है वो बहुत स्पीड से निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होता है। लाइफ के अंदर जो नॉर्मल की सिनेरियो होता है वो यही होता है कि जो मेहनत करता रहता है वो धीरे धीरे आगे निकल ही जाता है, आज नहीं तो कल। हालांकि कुछ टाइम जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज नहीं तो कल कुछ बेहतर जो है आपकी लाइफ के अंदर सही होगा। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आज के अपने इंपॉर्टेंट लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जागरण, जनसत्ता, PIB, ये सब। सबसे पहले द हिंदू की बात करते हैं, तो सेंटर ने दोस्तों इन्वाइट किया है फार्मर को, उनकी यूनियन को बातचीत के लिए, और साथ में मोदी जी ने कहा है कि अपोजिशन जो है वो मिसलीड कर रहा है फार्मर को, और बोला है दोस्तों प्रोटेस्टर लोगों ने कि PM को जो है मन की बात हमारी जो है वो जाननी चाहिए, खुद नहीं करनी चाहिए, और रिपील करने के लिए बोला है फार्म लॉ। तो आपको मालूम है दोस्तों काफी झगड़े भी हुए हैं, वाटर कैनन भी जो है वो यूज करे गए हैं, है ना, तो काफी जो है फार्म बिल को लेकर प्रोटेस्ट है जो कि हमारे किसानों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ओके,
चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ये वाले इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि थे अपने गुरु नानक जयंती को लेकर। तो कल हम इनके बारे में डिस्कशन करना भूल गए थे, एक तो ये वाली और एक ये एक और साइक्लोन है दोस्तों जो कि आने वाला है। अभी तो एक गया है और एक वापस आने वाला है। पता नहीं साइक्लोन हो गए कि कोई देश के प्रेसिडेंट हो गए, आते जाते रहते हैं मतलब। तो वापस से एक और साइक्लोन आ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आरएलपी राजस्थान के अंदर एक गठबंधन है बीजेपी के साथ में, उन्होंने क्विट करने के लिए बोला है फार्म लॉ के ऊपर। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेरर दोस्तों वो बिगेस्ट चैलेंज है एससीओ रीजन के अंदर, ऐसे अपने वेंकैया नायडू जी के द्वारा कहा गया। आपको मालूम है एससीओ की अभी क्या हो रही है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जा रही है, इसकी जो अभी होस्ट है, होस्ट कंट्री कौन है, हम लोग हैं जो कि इसके होस्ट हैं और फर्स्ट टाइम है जो कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं 2017 के मेंबर बनने के बाद। इस मीटिंग के अंदर दोस्तों ना तो हमारे मोदी जी ने इसको अटेंड किया और ना ही इमरान खान ने इसको अटेंड किया। ठीक है गाइज, इमरान खान के तो अटेंड करने नहीं करने को ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे, लेकिन हमारे कंट्री के अटेंड नहीं करने से वैसे काफी फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंटेशन अभी वेंकैया नायडू जी ने किया है इंडिया की तरफ से। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने दोस्तों इश्यू करे नॉर्म्स कैसे वायरस को मार्केट में रोका जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन को लेकर जो वेडिंग इंडस्ट्री के जो है मुश्किलें हुई है उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस उर्मिला जी जो है वो भी शिवसेना है जो कि यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करेंगे गुरु नानक जी की। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, गुरुद्वारा बंगला साहिब है, ये दिल्ली के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो 551 वह बर्थ एनिवर्सरी अपने गुरु नानक जी का मंडे को मनाया गया। ओके गाइस, पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया के अंदर मनाया गया। आपको मालूम है सिखिज्म के फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सिखिज्म की, और 551 बर्थ एनिवर्सरी है जो कि मनाया गया। और इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के राय भोई दी तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में यहाँ पे शेखुपुरा नाम से जाना जाता है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर। और उसी को दोस्तों ननकाना साहिब के नाम से भी वो जगह काफी फेमस है। ठीक है गाइज, अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपको मालूम है दोस्तों कि आदि ग्रंथ जो है उनकी रचनाएं के अंदर शामिल है। ओके, जिन्हें बाद में पांचवें सिख गुरु जो गुरु अर्जन देव जी थे उनके द्वारा उसको कंपाइल किया गया था, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 10वें सिख गुरु जो गोविंद सिंह जी थे उनके द्वारा किए गए परिवर्धन के बाद गुरु को ग्रंथ साहिब के रूप में इसको जाने जाने लगा। भक्ति के निर्गुण की वकालत भी इन्होंने करी। सामूहिक उपासना के लिए मंडली की पूजा के नियम भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए। एक ओंकार का मूल मंत्र भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। और इन्होंने बोला कि कभी भी जाति पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने चाहिए और सारे मनुष्यों को समान व्यवहार है जो कि करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें गुरु नानक जी से सीखनी चाहिए। ओके, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आपकी जो शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, उसका ट्रू फुलफिलमेंट है जो कि होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि एक और नया डिप्रेशन यानी कि एक और लो प्रेशर एरिया है दोस्तों जो कि डेवलप हुआ है और जिसके तमिलनाडु केरला के अंदर वापस से साइक्लोन आने की दोस्तों आशंका है जो कि देखने को मिल रही है। हालांकि पहले तो ये साइक्लोन है जो कि पहुंचेगा दोस्तों बे ऑफ बंगाल के अंदर बनने वाला है। सबसे पहले श्रीलंका जाएगा, उसके बाद में ये अपने केप कैमरिन यानी कि जो कन्याकुमारी जो अपना एरिया है दोस्तों तमिलनाडु का, वहां जाएगा। 3 दिसंबर डेट दी गई है आईएमडी के द्वारा। ओके गाइज, साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला कोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, और ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है गाइज, इस बार जो इसको नाम दिया जा सकता है वो म्यांमार के द्वारा नाम एक सजेस्ट किया गया था, सॉरी म्यांमार नहीं, मालदीव्स। इस बार जो इसका नाम रखा जा सकता है वो मालदीव्स के द्वारा एक नाम सजेस्ट किया गया था जिसका नाम था बुवेरी। तो बुवेरी साइक्लोन है जो कि इसका नाम दिया जा सकता है, समझ गए मेरी बात। इससे पहले दोस्तों मालदीव ने जो है वो कायर नाम है जो कि साइक्लोन को दिया था, जो कि एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मालदीव के द्वारा दिया जाएगा, बुवेरी इसका नाम दिया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन के जो है हर एक कंट्री अपने नाम सजेस्ट करता है उसमें से निकाला जाता है। तो रिसेंटली इंडिया की बात करें तो वायु था इंडिया ने जो लास्ट दिया था, मालदीव्स का देखिए म्यांमार का था कायर और मालदीव्स का था हीका। तो कायर तो था आपके म्यांमार का
और मालदीव्स का जो लास्ट दिया गया था वो ही का नाम है जो कि था। ओके गाइज, और महा हो गया आपके ओमान, बुलबुल हो गया पाकिस्तान, अम्फान हो गया आपके थाईलैंड। तो ये दो चार नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मैं बाकी पूरी डिटेल में आपको साइक्लोन्स कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है गाइज, रेगुलर आ करो क्लास के अंदर और शेयर करते रहा करो। अरे भाई, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे एक बार शेयर कर दो क्लासेस को, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। फेसबुक वेसबुक जो भी यूज करते हो तुरंत एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी एमएलए है किरण महेश्वरी जी, राजस्थान के अंदर उदयपुर से बिलोंग करती है, तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो राजस्थान से एक और न्यूज है जो कि आंगनवाड़ी को लेकर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और ठंड जब आती है तो -1 तक दोस्तों पहुंच जाता है। तो ऐसी जगह पे आपको मालूम है जो आंगनवाड़ी सेंटर है दोस्तों, उनको बहुत समस्या आती है काम करने को लेकर। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये 37,000 जो आंगनवाड़ी सेंटर है उनको अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन है जो कि करने वाले हैं। अभी तो ऐसी समस्या है कि बिजली तक दोस्तों नहीं आती है। ओके, तो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है दोस्तों जो कि यहाँ पे लाया जा रहा है और इंस्टॉलेशन किया जा रहा है किसका, सोलर पावर का, ताकि बिजली की समस्या नहीं हो। ओके गाइज, राजस्थान के अंदर टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो कोई 80,000 के 82,000 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर है, और पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से दोस्तों कोई 15 लाख के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट ने भी प्लान किया था कि 2.5 लाख जो 14 लाख आंगनवाड़ी है ना कंट्री में, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ओके, मतलब 3.5 लाख जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहां पे तो टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं है देश के अंदर, 1.5 लाख के अंदर पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है। ओके, 2019 के अंदर बताया गया था कि जो 12% आंगनवाड़ी सेंटर है जो कि वो कच्ची बिल्डिंग के अंदर ऑपरेट होता है, जिसमें अरुणाचल के 95%, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, ये पूरा का पूरा डाटा है दोस्तों जो कि यहाँ पे बताया गया था। क्या आपको लगता है कि आंगनवाड़ी वर्कर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे देश के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। आंगनवाड़ी सेंटर, आशा वर्कर, ये हमारे देश की हेल्थ केयर की बैकबोन है, एक तरीके से पूरी की पूरी नींव की हड्डी है, हमारे जो है कमर की हड्डी है एक तरीके से। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी बहुत खराब है, लेकिन उसके अलावा जो थोड़ा बहुत मेंटेन है वो इन्हीं लोगों की वजह से मेंटेन है। और आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी दोस्तों एक गांव के अंदर ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है, जो कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे दोस्तों बनाए गए थे, क्योंकि गांव के अंदर जब बच्चे होते हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। ओके, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, भूख के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इन सेंटर की स्थापना करी गई, ताकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको पूरी मदद मिले, उसके हेल्थ केयर का सिस्टम का ध्यान रखा जाए, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, एजुकेशन का, उसके थोड़े बहुत जो आपके परामर्श जो चाहिए होता है, गर्भ निरोधक गोलियां चाहिए होती है, पोषण शिक्षा चाहिए होती है, सारी सुविधाएं उसको बुनियादी लेवल के ऊपर अवेलेबल करवाए जाए, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी करवाई जाती है। ये देख सकते हो आप आंगनवाड़ी वर्कर, ओके, कपड़े देते हैं बच्चों को, बहुत काम करते हैं गाँव के अंदर इस तरीके से, बहुत ही जर्जर हालत के अंदर दोस्तों ये सेंटर बने हुए होते हैं। ओके गाइज, तो आईसीडीएस स्कीम थी, उसके तहत दोस्तों बनाए गए, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के अंडर में ये आते हैं। 6 प्रकार की सुविधाएं ये आपको अवेलेबल करवाते हैं। ओके, जैसे कि पूरक पोषण, प्री स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे अवेलेबल करवाते हैं। मेन एम क्या होता है कि हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है ना उसको रिड्यूस करें और माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करें। 0 से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा है उसको मदद मिलती है, जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसको मिलती है, और जो स्तनपान कराने वाली महिला है उन 3 लोगों को कैटेगरी को इसके अंदर मदद अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है गाइज, वर्कर की सैलरी की बात करें तो बहुत ही कम सैलरी मिलती है, इनका इंसेंटिव होता है, जैसे कि अगर आप किसी को किसी को वैक्सीन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, इंसेंटिव है जो कि मिल जाएगा। ओके, बहुत ही कम सैलरी है, मतलब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की, मतलब अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों तो इनका जितना काम होता है ना उतने इनके पैसे नहीं मिलते हैं, रियलिटी है। ठीक है, तो ये 6 तरीके की सुविधाएं के ऊपर ये काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसान तो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और किसानों के काम जो है यहाँ पे अमित शाह और मोदी जी लग रहे हैं खेती बाड़ी करने में, वी आर बिजी कल्टिवेटिंग।
यहाँ पे फनी सा आर्टिकल यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों स्टेट ऑफ करप्शन के बारे में। इसके बारे में वैसे अगर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हाँ कुछ 5,000 रुपए के आसपास है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों स्टेट ऑफ करप्शन के बारे में बताया गया है और एशिया में बताया गया है कि जो नंबर वन के ऊपर है दोस्तों करप्शन के अंदर वो हमारा कंट्री है। ठीक है गाइज, अभी रिसेंटली दोस्तों कितने लोगों ने दोस्तों अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी है, सीट के नीचे से, टेबल के नीचे से पैसे, या फिर जो है पान वाले को पैसे दिए है। तो ये यहाँ पे दोस्तों डाटा बताया गया है, 12 मंथ का सर्वे है जो कि यहाँ पे किया गया। और ब्राइबरी रेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा बताई गई है। ठीक है गाइस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन को लेकर बताती है। ओके, इसके अंदर दोस्तों 50% से भी ज्यादा लोगों ने बोला है हमारे देश में कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है साइट से पैसे दिए हैं। और इसमें 20,000 लोगों का सर्वे है जो कि किया गया है। 17 एशियन कंट्रीज के अंदर दोस्तों ये सर्वे है जो कि किया गया। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे आगे अंडर द टेबल जो काम हुए है हमारे देश में, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है कंसर्न की बात करें कि जो लोग सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो 47% लोगों ने दोस्तों बोला कि यस, खुला बोला कि हमने पैसे दिए हैं। तो उसके अंदर कंबोडिया, इंडिया आगे है। उसके बाद अगर सर्विस की बात करें तो लोगों ने माना कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनको सर्विस नहीं मिलेगी। 42% लोगों ने बोला पुलिस के अंदर। ओके, इसके अलावा आईडी के लिए 41%, जो बेसिक यूटिलिटी में 32%, पब्लिक हेल्थ में 24, पब्लिक स्कूल के अंदर 22%। ओके, वोट्स के लिए आप हमें वोट दीजिए हम आपको पैसा दे देंगे, तो 18% दोस्तों भारतीयों ने ये बोला कि यस, उनको पार्टी के द्वारा जो है अप्रोच किया गया कि पैसे के बदले वोट देने को लेकर रीजनल, नेशनल और लोकल इलेक्शन के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर। सबसे ज्यादा दोस्तों जो ये हुआ है कारनामा, वो हुआ है थाईलैंड में, फिर हुआ है फिलीपींस में, फिर हुआ है इंडोनेशिया में, और उसके बाद में 18% इंडिया के अंदर हुआ है। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। आपको मालूम है अभी जनवरी के अंदर 2000 के अंदर रैंकिंग आई थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 की, जिसके अंदर लास्ट ईयर 2018 में हमारी रैंकिंग थी 78, जो कि 2 पॉइंट फिसल के हम लोग आ गए 80 के ऊपर। तो ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा, इंडिया और चाइना की बिल्कुल बराबर रैंकिंग है, 80-80। दुनिया में नंबर वन है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, यूके 12 के ऊपर, यूएस 23 के ऊपर, पाकिस्तान 120 और लास्ट में सोमालिया 180। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 10। एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइज, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो व्हाट्सएप टेलीग्राम के ऊपर, अभी हिंदी न्यूज़पेपर भी आने वाले हैं, बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों जो कि है, एक तो यहाँ पे बाबा आमटे जी जो थे उनकी जो पोती थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा यूपी के कन्वर्जन ऑर्डिनेंस को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, उत्तर प्रदेश ने अभी ऑर्डिनेंस लेके आया था जिसमें क्रिमिनलाइज किया था रिलीजन कन्वर्जन को लेकर मैरिज के माध्यम से। तो दोस्तों ये ऑर्डिनेंस तो आ गया, लेकिन इसमें आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर को दोस्तों ये ऑर्डिनेंस चैलेंज करता है। ओके, जिसके अंदर बोला जाता है कि ये जो फेथ का मामला है वो स्टेट या फिर कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन इसके ऊपर नहीं है, कोई भी अडल्ट आदमी अपनी इच्छा से अपना पार्टनर चूज कर सकता है। ओके गाइज, मैरिज कर सकता है अपने समाज में या अपने समाज के बाहर भी, ये हर एक इंडिविजुअल और एक आइडेंटिटी के तौर पे इसको देखा जाता है। अगर आपको कोई ड्रेस पहननी है, खाना खाना है, आइडिया, आइडियोलॉजी, लव, पार्टनरशिप, ये सब जो है इंडिविजुअल आदमी की पहचान होती है। इसमें कोई भी राज्य, कोई भी लॉ किसी के चॉइस को लेकर दोस्तों सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर उठाते हैं तो आपको मालूम है आर्टिकल 21 का हनन है, जो कि होता है ऐसे चंद्रचूड़ जी के द्वारा दोस्तों हदिया केस जजमेंट के अंदर दिया गया था। हदिया केस आपको मालूम है दोस्तों, एक मैरिज को लेके था जिसने लड़की ने खुद ने बोला था कि मैंने खुद ने जो है एक्सेप्ट किया है, खुद ने ही मैं मेरी इच्छा से मैंने लव मैरिज करी है, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने जो है लड़के के खिलाफ केस किया था। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों पुट्टू स्वामी जी जो जज है उन्होंने भी प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट दिया हुआ है कि कोई भी इंटरफेरेंस अडल्ट के अंदर राइट टू लव मैरिज के ऊपर नहीं करेगा। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे फैसले हैं। लता सिंह केस था, उसके अंदर भी बताया गया था।
ओके कि हमारे देश में कल्चर जो है वो बहुत डाइवर्स है और उस तरीके की बहुत चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये इंडिविजुअल चॉइस है। ओके गाइस, अगर किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि अपने सोशल रिलेशन अपने लड़के से या फिर अपनी लड़की से कट कर सकते हैं, लेकिन किसी को जान की धमकी देना या फिर सामने वाले पार्टनर के खिलाफ केस करवाना, उसको जेल में डालवाना, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा देश अभी भी फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और सोनी गैरी केस है उसके अंदर भी सुनाया गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल केसेस है जो कि यहाँ पे बताया गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर क्या होता है इस केस के अंदर। आगे बात करते हैं शीतल आमटे जी को लेकर, जो कि एक सोशल वर्कर थी और ग्रैंड डॉटर थी दोस्तों, बहुत ही फेमस हमारे सोशल वर्कर बाबा आमटे जी की। बाबा आमटे जी दोस्तों लेप्रेसी के ऊपर उन्होंने देश के अंदर बहुत काम किया है और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो कि इनको काम करने को लेकर नहीं मिला था। तो शीतल आमटे दोस्तों जो एक सोशल वर्कर और सीईओ है थी महा रोगी सेवा समिति के अंदर, लेप्रेसी सर्विस कमिटी के अंदर, उन्होंने दोस्तों सुसाइड है जो कि यहाँ पे किया है। काफी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, तो आपसे बाबा आमटे जी की दोस्तों बारे में पेपर में सवाल है जो कि पूछा जा सकता है। बाबा आमटे जी के द्वारा ही दोस्तों समाज सेवा संगठन महारोगी सेवा समिति का गठन है जो कि किया गया था। काफी टाइम से उसके प्रबंधन को लेकर दोस्तों काफी समस्या है जो कि चल रही थी। ठीक है गाइस, बाबा आमटे जी का नाम था मूल्याधर देवीदास आमटे जी, जिनको बाबा आमटे हम लोग काफी के नाम से जानते थे। 2008 में इनका मृत्यु हुआ है। सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और रिहैबिलिटेशन और एम्पावरमेंट ऑफ पीपल को लेकर काम करते थे, जो कि कुष्ठ रोग से दोस्तों जो है पीड़ित थे। ओके, इनको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कई सारे मिले, जैसे कि गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे, ओके टेम्पलेटन पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, यहाँ तक कि ठीक है पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे बात करेंगे जो कि एक तो बाइडन के कैबिनेट को लेकर है, इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेन स्टूडेंट वापस से अराइव होने लग गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों हायर एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन वो इनका फोर्थ नंबर का सबसे ज्यादा बिजनेस है जो कि जनरेट करता है। ऑस्ट्रेलिया की हायर एजुकेशन काफी फेमस है। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आयरन से पैसा कमाते हैं, सेकेंड नंबर पे ये लोग आपके कमाते हैं ऑयल से, थर्ड पे कमाते हैं गैस से, और चौथे नंबर पे दोस्तों हायर एजुकेशन से ऑस्ट्रेलिया हर साल 37 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है और 5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो कि हर साल पढ़ने आते हैं। अभी COVID-19 की वजह से लेकिन दोस्तों अभी अलाउ नहीं किया गया था, अभी बोला जा रहा है कि आओ, लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन है जो कि पहले सहना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है ना कि पाकिस्तान टीम भी कहीं पर खेलने गई हुई है ना, वहां पर भी न्यूजीलैंड है या पता नहीं कहाँ पे खेलने गई हुई थी, और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आई डोंट नो, वहां पे भी उन्होंने जो है प्रोटोकॉल्स को तोड़ के जो है वो लोग निकल गए और 4-5 कोविड के केस लेके आ गए काफी खतरनाक लोग हैं यार, मतलब। ठीक है गाइस, तो ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा बात करें मॉडर्ना जो है वो अप्रूवल ले रहा है यूएस और ईयू के अंदर वैक्सीनेशन अथोरिटीकेशन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया चाइना के अंदर दोस्तों काफी गुत्थम गुत्था हो गए एक फेक इमेज को सर्कुलेट करने को लेकर। चाइना ने एक बच्ची को ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बंदूक लेते हुए दिखा दिया, तो उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है, तो हमारे लिए दोस्तों एक तो ये बाइडेन वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। बाइडेन दोस्तों नीरा टंडन जी को OMB की चीफ है जो कि बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। नॉमिनेट किया गया है, इंडियन अमेरिकन है नीरा टंडन जी, उनको डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को बनाया जा रहा है। OFB का मतलब है ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। ओके गाइस, इनकी डायरेक्टर है जो कि इनको बनाया गया, इंडियन अमेरिकन है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होता। समझ गए मेरी बात। 50 साल की है दोस्तों, यूएस सीनेट से बिलोंग करती है, फर्स्ट वुमेन होगी जो कि इस पोजिशन को दोस्तों व्हाइट हाउस के अंदर संभालेगी। करंटली जो है ये अभी सीई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के, सीएपी की। ठीक है गाइस, ठीक है, अभी इनका अनाउंसमेंट वैसे नहीं किया गया, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन सभी के अंदर इनके बारे में डिस्कशन है जो कि काफी हो रहा है। नेक्स्ट है पेज नंबर 14 दोस्तों। 14 की बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो एक दोस्तों 2020 की सबसे बड़ी डील के बारे में बात करेंगे
और इंडिया के अंदर 5G को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तो आपको मालूम है हम लोग 4G काम में लेते हैं, जल्दी हमारे देश में 5G आने वाला है और 2026 तक आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में 35 करोड़ लोग होंगे जो कि 5G यूज कर रहे होंगे। आपको मालूम है जब मैं बात करता हूँ हमारे देश में इंटरनेट की, तो नियर बाय 70 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे देश में इंटरनेट काम में लेते हैं। अगर मैं 4G की बात करूं तो अभी दोस्तों 40 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि हमारे देश में 4G काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा बताया गया है कि साढ़े यहाँ पे 35 करोड़ 5G कनेक्शन 2026 तक यूज करेंगे और दुनिया के अंदर हाईएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन दोस्तों हमारे देश के अंदर ये 27% मोबाइल यूजर है जो कि कंट्री के अंदर दोस्तों क्या हो जाएंगे 5G यूज करेंगे। ये स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है एरिक्सन, उनके द्वारा दोस्तों बताया गया है एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के अंदर। चार में से एक आदमी के पास 5G है जो कि अवेलेबल होगा, समझ गए मेरी बात। और पूरी दुनिया में 3.5 अरब लोगों तक दोस्तों ये पहुंच जाएगा, उसमें से 35 करोड़ लोगों के पास में हमारे होने वाला है। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। दुनिया के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा आपको मालूम है 15 GB पर मंथ डाटा है जो कि हमारे लोग हैं जो कि काम में लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग तो क्या पढ़ाई वढ़ाई में लेते हो, लेकिन बाकी लोग तो आपको मालूम है ना व्हाट्सअप क्या नाम है यूट्यूब के ऊपर क्या ही चीजें देखते रहते हैं। ओके, ट्रेंडिंग के अंदर आप देख लो कैसी लिस्ट मिलेगी आपको, एक भी एजुकेशन का कोई अच्छा वीडियो नहीं मिलता है हमेशा। ज्यादातर आपको जो है मतलब बहुत अजीबोगरीब मतलब ट्रेंडिंग लिस्ट होती है, तो आप देख सकते हैं डाटा जो है वो कहाँ पे यूज होता है हमारे देश के अंदर। चलिए ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, आगे बात करते हैं। देश भर में 2026 तक होंगे 5G के 35 करोड़ उपभोक्ता, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। अपार संभावनाएं यहाँ पे बताई गई। तो जो भी अगर आप इंटरनेट से संबंधित काम कर रहे हो ना, तो आने वाला भविष्य दोस्तों काफी सुनहरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, 5G सेवाओं की स्पेक्ट्रम नीलामी जो है ना वो जल्दी होने वाली है भारत के अंदर। 2021 के अंदर लाइसेंस है जो कि मिल जाएंगे। ये देखिए 2020 के अंदर अभी 75 करोड़ के आसपास है इंटरनेट यूजर, 25 तक 100 करोड़ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, एसएनबी ग्लोबल ने 2020 की सबसे बड़ी डील करी है जो कि है $44 बिलियन की। एसएनबी ग्लोबल ने दोस्तों एक कंपनी को अक्वायर किया जिसका नाम है IHS मार्केट। ये दोस्तों यूके की है और ये वाली है यूएसए की। ओके, तो पूरी की पूरी स्टॉक डील है 44,000 के अंदर, 44 बिलियन डॉलर के अंदर ये डील है जो कि करी गई है। ये दोस्तों दोनों कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का काम करती है। अब आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही है समझ रहे हो, $44 बिलियन मल्टीप्लाई कर लो 44 को 7,000 से, इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ रुपए हो गए। ठीक है गाइज, तो देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर आपको मालूम है गाइज आज के टाइम पे डाटा जो है ना फाइनेंशियल डाटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टाइम पे जो भी अगर कंपनी बैंक लोन देगा तो लोन देने वाले जो लोग हैं उनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपने लोन लिया है, दिया है कि नहीं दिया है, कितना रिस्क है जो कि इन्वॉल्व है आपके आपके लोन वापस चुकाने में नहीं चुकाने में। तो दुनिया की हर कंपनी दोस्तों डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती है कोई भी पैसा देने से पहले, समझ गए। और इससे भी बड़ी बात है जो कि है रिस्क दोस्तों, कौन से रिस्क, साइबर रिस्क। आपको मालूम है आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए, तो डेटा को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली जो डेटा वाली जो कंपनीज है ना ये दोस्तों बहुत ज्यादा दुनिया में चल रही है, समझ गए। तो 2020 की सबसे बड़ी डील है दोस्तों जो कि ये हुई है। दोनों कंपनी की प्रोफाइल पढ़ लेते हैं, S&P ग्लोबल की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 1917 में हुई थी। ओके, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, डगलस है जो कि अभी इसके सीईओ और प्रेसिडेंट है। क्रिसिल का नाम सुना होगा ना, इंडिया में काम करती है, वो भी इन्हीं की है। और IHS मार्केट जो है दोस्तों ये 1959 में है, लंदन में बनी थी और लेंस है जो कि अभी इसके सीईओ है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं, सेम यहाँ पे जो फ्रंट पेज है वो सेम है। मोदी जी ने बोला कि प्रोटेस्ट जो है वो रूमर और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसके अंदर। वैक्सीन को लेकर बात करी, ओके, GDP को लेकर बात करी है, कर्नाटक के CM ने दोस्तों पहले जब कई सारे 2019 में कई सारे लोगों ने पार्टी बदल ली थी तो उनको बोला था कि आपको MLC की सीट है जो कि दिला देंगे। ओके, लेकिन अभी MLC की सीट उनको नहीं मिलेगी क्योंकि हाईकोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि जिन लोगों का दल बदल कानून के तहत जिनको बाहर निकाला गया है उनको वापस से घुमा के आप MLC नहीं दे सकते हो। यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि है NRI को वोट करने को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की न्यूज है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इलेक्शन कमीशन रेडी हो गया है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा NRI को वोट करवाने को लेकर, और इसके लिए गवर्नमेंट को
पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो इलेक्शन है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग काम ये होने वाला है कि हमारे दुनिया के अंदर हमारे देश के 1 करोड़ NRI रहते हैं और ये लोग दोस्तों घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट कास्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें से 50 लाख ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों 60 साल से कम के लोग हैं, जो कि मतलब अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट है, जो कि वोटिंग करने के एलिजिबल है। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ है जो कि इंडियन अब्रॉड में सेटल है, उसमें से 60 लाख लोग हैं, 60 लाख है, 50 लाख नहीं है, 60 लाख लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे। और इतना वोटिंग दोस्तों इलेक्शन को पूरी तरीके से बदलने के लिए बहुत होता है। तो नंबर्स टू स्विंग रिजल्ट, आने वाले के टाइम में पंजाब, गुजरात, केरला, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ा चेंज है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पहले तो क्या होता था कि आप लोगों को आके वोट देना पड़ता था, तो जनता आती नहीं थी, NRI क्यों आएगा वोट डालने, उसको क्या मिल रहा है। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि वो अपने घर से दे सकता है, तो उसके अंदर तो दोस्तों 1 करोड़ भारतीय जो कि 60 लाख एलिजिबल है, ये आने वाले टाइम के अंदर बदल सकते हैं पूरा का पूरा गेम। इसलिए सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक इलेक्शन रूल होता है, इलेक्शन रूल 1961, उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इससे काफी फायदा है जो कि गवर्नमेंट को हो जाएगा। ओके, चलिए गाइस आगे बात करते हैं। सबसे पहले जब इसके अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो सबसे पहले 2015 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि वोट देने चाहिए, इस तरीके से NRI को वोट करवाने चाहिए उसको लेकर। आगे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, वो पूरी तरीके से जेंडर राइट्स के ऊपर काम कर रहा है। घर के बाहर दोस्तों बिटिया के जो बेटी है उनका नाम है जो कि घर का नाम रखा जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। नॉर्मली आप लोगों के घर के बाहर या किसी के भी घर के बाहर अगर आप देखोगे तो आपके फादर का नाम और आपके फादर के जो बेटे हैं उनका नाम है जो कि लिखा हुआ रहता है ना। हमारे जो बेटियां हैं जो उनका नाम घर के बाहर नहीं लिखा रहता, क्योंकि उनको तो ये माना जाता है कि ये तो दूसरे के घर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये सोच बदलने का वक्त आ गया है, आपके घरों के बाहर आपका नाम भी होना चाहिए, लड़कियों का नाम भी, क्योंकि वो घर भी उतना ही है आपका जितना कि आपके भाई का या फिर आपके फादर का है। इनफैक्ट महिलाओं की तो दो जगह घर है, दोनों जगह जो है उनके नाम पे होना चाहिए। तो नेम प्लेट दोस्तों आप देख सकते हैं, सिंगल स्टोरी घरों के ऊपर आपको एक गांव है उत्तराखंड के हिली पौरी गुलवार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मंथान, तो उस गांव के अंदर आपको घरों के बाहर देखने को मिलेगा। बहुत ही एक्साइटिंग बात है ना, ये आरती जी का घर है, ऐसे लोग आके पूछते हैं क्योंकि बाहर नेम प्लेट आरती जी की है। ओके गाइस, तो काफी सही है, तो ये एक बहुत अच्छा फील है जो कि 21 साल की ये लड़की है, इनके घर के बाहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द हाउस इन द नेम ऑफ द डॉटर, ये कैंपेन है जो कि वहां पे चलाया गया है, जिसमें दोस्तों प्रॉपर्टी की ओनरशिप हो गई, जेंडर राइट्स हो गए, है ना, वो इक्वली दोस्तों करने को लेकर बात करी गई है। ओके गाइस, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको देखा होगा कि क्या होता है कि है ना, जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी नॉर्मली सन को ही मिलती है, डॉटर को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ओके, डॉटर की जब मैरिज हो जाती है तो जब भी लड़की अपने घर पे आती है, मतलब भाई के घर पे आती है, तब तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना कंपलसरी होता है भाई के द्वारा। ये पहले के टाइम पे इसलिए किया गया था ताकि रिलेशनशिप जो है ना वो मेंटेन रहे। ओके, कि चलो ठीक है, लड़की ने जो है अपनी प्रॉपर्टी गिव अप कर दी है, लेकिन जब भी वो अपने घर पे आएगी तो जो उसका भाई होगा, जो उसके पेरेंट्स होंगे, वो हमेशा उसको गिफ्ट देके भेजेंगे। तो ये इसलिए किया गया था पहले के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, ताकि अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। लेकिन ओवर द टाइम आपको मालूम है दोस्तों, इस चीजों का गलत इम्पैक्ट पड़ना चालू हो गया मॉडर्न इंडिया के अंदर, और क्या होने लगा कि जो डाउरी है वो दोस्तों बढ़ने लग गया। ओके, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता, साउथ इंडिया में मेजरली जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइडेड कर दी जाती है, सन के अंदर और डॉटर के अंदर। अब उनके ऊपर होता है कि वो चाहे तो शादी में पैसा लगा ले, चाहे तो बिजनेस में लगा ले, जैसा मन करे वैसा कर ले। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ही जबरदस्त है, 1100 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के ऊपर। लेकिन अभी रिसेंटली जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो यहाँ पे कम हो गया, इसकी वजह से दोस्तों काफी चिंताजनक कंडीशन है, इसीलिए ये इनिशिएटिव जो कि वापस से लॉन्च करे गए हैं। ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल सूरज, अगर आपके 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको मालूम है अभी थे दोस्तों हैदराबाद के अंदर म्युनिसिपल के इलेक्शन,
याद है क्या आपको? और इसके अंदर एक दोस्तों बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि वापस से बन के आया और नाम बदलने को लेकर आया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दोस्तों विजिट किया था भाग्य लक्ष्मी टेम्पल दोस्तों हैदराबाद के अंदर, कैंपेनिंग करी थी म्यूनिसिपल के इलेक्शन के अंदर, और वहां पे योगी जी भी पहुंचे थे और योगी जी ने बोला कि यहाँ पे नाम बदल दिया जाएगा। तो हैदराबाद का नाम बदल के भाग्य नगर करने के लिए दोस्तों उन्होंने बोला था, और ये बोला कि ये पहले नाम जो है वो यही हुआ करता था, ऐसा उन्होंने बोला, हालांकि उसके कोई एविडेंस नहीं है। ओके, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दोस्तों यहाँ पे बताया कि भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है ये 1960 में बना, और जो कि चार मीनार के पास में ही बना हुआ है, चार मीनार 1591 के अंदर बनी हुई है। ओके गाइज, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर के अंदर पूछे कि भाग्य लक्ष्मी टेम्पल कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखिएगा ये हैदराबाद के अंदर है, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू है, इसीलिए एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात? चले गाइज, इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, काफी सारे डिवोटी है जो कि भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के अंदर आते हैं, और वहां पे दिवाली के टाइम पे काफी बड़ी लाइन भी जो है वो लगती है दर्शन के लिए। ठीक है, चलिए। ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरा मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर, यहाँ पे दोस्तों बाकी सारी न्यूज तो कॉमन है, और दिल्ली में दोस्तों 71 साल में सबसे ठंडा रहा नवंबर। तो गाइज मैंने आपको बोला ही है कि आने वाले टाइम पे दोस्तों बहुत ज्यादा कोल्ड है जो कि पड़ने वाले, तो अगर आपके घर में कोई ओल्ड क्लोथ्स है तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज अपने घर के आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में सर्दी वाले कपड़े नहीं है उनको जरूर दीजिएगा। ओके गाइज, आगे बात करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जनसत्ता में, यहाँ पर है पेंडेमिक को लेकर। दोस्तों 2020 का सबसे प्रचलित शब्द जो है वो घोषित किया गया पेंडेमिक को। ओके गाइज, तो यहाँ पे मेरियम वेबस्टर जो है ना डिक्शनरी है उसके द्वारा पेंडेमिक 2020 का सबसे प्रचलित शब्द है जो कि घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कैम्ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो कैम्ब्रिज ने भी दोस्तों जो डिक्शनरी है ना उसने भी अनाउंसमेंट किया है 2020 का, जिसने क्वारंटाइन वर्ड को दोस्तों किया है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, मेरियम वेबस्टर पूछा जाए तो पेंडेमिक, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी पूछा जाए तो क्वारंटाइन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं दैनिक जागरण, यहाँ पे दोस्तों सब कुछ कॉमन ही है, मतलब 800 रुपए में आरटीपीसीआर की जांच जो कि दिल्ली और राजस्थान में करी जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। ओके गाइज, यहाँ पे दोस्तों एक और अच्छी न्यूज जो है ये है कि विश्व जो कि बताया गया कि आज के दिन दुनिया में क्या क्या हुआ, तो विश्व के सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ, कौन सा? BSF। 1965 में BSF का गठन है दोस्तों जो कि किया गया था, आपको मालूम है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे यही हमारी सुरक्षा करती है। ओके, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस की शुरुआत करी गई, एक एड्स दिवस भी दोस्तों आज ही आता है 1 दिसंबर को। ठीक है, इसकी शुरुआत 1987 में करी गई थी। ओके गाइस, इसके अलावा मेजर शैतान सिंह जी ने ढेर की थी कई सारी चीनी सेना, तो 1924 के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर है जो कि शैतान सिंह का जी का जन्म हुआ था। 1962 वॉर के अंदर 13वीं कुमाऊ बटालियन के अंदर थे ये। ठीक है, रेजांगला है चीनी सैनिकों के दोस्तों, रेजांगला उत्तराखंड के अंदर इन्होंने सामना किया था। ओके, और उस टाइम पे दोस्तों कई सारी गोलियों से घायल होने के बाद में भी दोस्तों चाइनीज को बहुत जबरदस्त दोस्तों टक्कर देके दी थी, और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण है जो कि न्यौछावर कर दिए गए थे। ओके गाइज, और 1000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक है जो कि हमारे कुछ सेना के लोगों ने दोस्तों वहां पे मार दिया था, बाद में इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ओके गाइज, इसके अलावा बात करें मिशन कोविड सुरक्षा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों कोविड वैक्सीन को लेकर लॉन्च किया गया है, कोविड सुरक्षा 900 करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया गया है वैक्सीन के डेवलपमेंट मिशन को लेकर। ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मिशन सुरक्षा इसका नाम दिया गया है। अभी तक 5 वैक्सीन के ऐसे कैंडिडेट है जिनके ऊपर ह्यूमन ट्रायल चल रही है, एक तो स्पुतनिक 5 हो गया, ओके, जो कि इंडिया के अंदर उसको जल्दी परमिशन है जो कि मिल सकती है, एक तो कोविशील्ड है CII ऑक्सफोर्ड के द्वारा, कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा, जायको डी है ये कैंडिला के द्वारा है, जायको डी जो है ये इंडिजीनियसली हमारे कंट्री में बनाई जा रही है, स्पुतनिक 5 जो है ये आपको मालूम है ये रशिया की है, BNT162 भी है ये भी इंडिया की है मतलब। ओके चलिए, आगे बात करते हैं जो कि है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को फर्स्ट वुमेन VC बनाया गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये संगीता जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला है दोस्तों जो कि यहाँ पे वाइस चांसलर है जो कि बनी है, ध्यान रखिएगा। दूती चंद और केटी इरफान को भी दोस्तों टॉप्स की कोर ग्रुप के अंदर शामिल किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये टॉप्स का कोर ग्रुप क्या है,
एक्चुअली के अंदर दोस्तों टॉप्स क्या है, टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये हमारे देश में यंग एथलीट का डेवलपमेंट करने के लिए किया गया है, समझ गए मेरी बात, ताकि हमारे आने वाले ओलंपिक के अंदर हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि कर सके। दूती चंद आपको मालूम है बहुत ही जबरदस्त है, 100 मीटर है जो कि भागती है, और इरफान जो है दोस्तों वो भी एथलीट है जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ओके गाइज, इसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को दोस्तों क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दोस्तों यहाँ पे सहकार प्रज्ञा का अनावरण है जो कि किया है। तो ये यूनियन मिनिस्टर है अपने एग्रीकल्चर और फार्मर के वेलफेयर के, पंचायती राज एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। तो उनके द्वारा 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बनाए जा रहे हैं। तो उसका नाम दिया गया है दोस्तों प्रज्ञान, ठीक है, सहकार प्रज्ञा, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है दोस्तों, ये क्रिएट करी जाती है ताकि हमारे देश में एग्रीकल्चर के जो सामान है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके, मार्केटिंग करी जा सके। ये सारा काम दोस्तों कौन करता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि करता है, ठीक है। बीबी जांगीर कौर चार चौथी बार SJPC की प्रेसिडेंट है जो कि बनाई गई है, ओके गाइज। तो सीनियर दोस्तों शिरोमणि अकाली दल की लीडर है, ओके, बीबी जांगीर कौर जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का, ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज। ये पंजाब के आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दोस्तों ऑर्गेनाइज करती है इंडिया के अंदर, रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट करने के लिए देश में पूरे गुरुद्वारे, ओके, पंजाब हरियाणा हिमाचल के अंदर दोस्तों वर्कशिप है जो की करी जाती है ना, उन सभी गुरुद्वारों को ये ध्यान रखते हैं, और दरबार साहिब जो अमृतसर के अंदर है उसका भी ध्यान रखते हैं, ओके गाइज। चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के वो इसको गवर्न करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। आज के दिन की बात करें इतिहास के अंदर, तो नागालैंड दोस्तों देश का 16वां राज्य बना, BSF का गठन हुआ, सुचिता कृपलानी दोस्तों हमारे देश की पहली वुमेन CM है जो कि उत्तर प्रदेश की बनी, उनकी मृत्यु हुई थी 1974 के अंदर। फन फैक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, तो हमेशा लोगों को ये लगता है कि वॉशिंगटन जो है DC वो अमेरिका की कैपिटल रही है शुरुआत से, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि हमारे दिल्ली से पहले कैलकटा कैपिटल थी, वैसे ही वॉशिंगटन DC से पहले न्यूयॉर्क को कैपिटल है जो कि अमेरिका की मानी जाती है 1785 से पहले, ओके गाइस। और आज 80 लाख लोग हैं जो कि न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है अमेरिका के अंदर, ओके। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों 7 तारीख से, अगले मंडे से मेरा ज्योग्राफी का कोर्स है जो कि लॉन्च हो रहा है, तो SSC के अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। UPSC के अंदर 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर है जो कि मैं करवा रहा हूँ UPSC में, आप UPSC की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस आपको सारी क्लासेस है जो कि मिल जाएगी, और आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा BHU10 या फिर भुनेश 10। आप स्पेशल क्लास के लिए भी दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशल क्लास में अगर आप, ठीक है, जा रहे हैं और आपसे कोड पूछ रहा है तो आप BHU10 यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। SSC के अंदर जो है मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, कंप्लीट आपके जो भी ऐसा एग्जाम है जैसे कि रेलवे है, PCS है, डिफेंस है, पुलिस है, इन सभी के लिए दोस्तों आप इस SSC के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 450 रुपए पर मंथ में, कंप्लीट GK में पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर कोई भी एग्जाम का आपका गोल है उसको सेलेक्ट कर लो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 12 महीने पे जाओ, रेफरल कोड पूछेगा तो लगा दो भाई BHU10 या फिर भुनेश 10 और अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में COVID-19 वैक्सीन विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू करे गए मिशन को क्या नाम दिया गया है। आगे है, वर्ष 2020 में गुरु नानक देव जी की डैश जयंती मनाई गई, निम्नलिखित में से किसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए VC जो है वो बनाया गया है। दूती चंद और टी इरफान को टॉप्स का कोर समूह के रूप में शामिल किया गया है, KT इरफान डैश से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्पेशल क्लासेस गाइज मैं जयपुर जाके कंटिन्यू करूंगा मेरी स्पेशल क्लासेस, मैं कल से, कल अगर मैं जयपुर पहुंच गया तो कल से मैं आपकी स्पेशल क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है गाइज। चलिए तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।